मदन महल टीआई निर्भया दबोचा दुराचार के मामले में फरार इनामी आरोपी को टीआई संदीप आईजी ने बताया कि कटरा मेघनीगंज प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश निवासी मेराज अहमद उम्र 30 वर्ष ने जबलपुर के एक होटल में शादी का झांसा देकर समाज की ही एक लड़की के साथ गलत काम किया था, जिसकी रिपोर्ट पर धारा 376 का अपराध कायम कर मामला विवेचना में लिया गया था। वहीं आरोपी को पकड़ने 3 बार टीम प्रतापगढ़ भेजी गई, लेकिन वह नहीं मिला और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हर स्थानों पर दबिश दी जा रही थी कि तभी मुखबिर की सूचना मिली कि मेराज अहमद कोर्ट में सरेंडर करने जबलपुर आया है, जिस पर टीआई संदीप आईजी ने आरोपी मेराज को मदन महल स्टेशन पर ही दबोच लिया। जबलपुर से सुनील सेन के साथ मयंक दुबे की रिपोर्ट। सर, ये 376 का जो आरोपी है, इसको कहां से गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ किस तरह के मामले दर्ज थे? ये मिराज खान है, प्रतापगढ़ का रहने वाला है। इनकी शादी हनुमान ताल की एक लड़की के साथ में सेट होने की स्थिति थी और ये उनका मगेतर था। इनके बीच में जब थोड़ा इंटरपर्सनल रिलेशंस डेवलप हुए तो पंकज पैलेस होटल में आपस में इनके संबंध बने शादी का झांसा देकर। यद्यपि वो लड़की से इसने शादी का मना कर दिया तो लड़की के द्वारा यहाँ FIR दर्ज कराई गई कि इसने शादी का झांसा देकर मेरे साथ गलत काम किया है। इस संबंध में FIR दर्ज करने के बाद लगातार ही इसकी पतरसी की जा रही है, लेकिन प्रतापगढ़ में 3 बार टीम जाने के बाद भी ये आरोपी नहीं मिला। इस पर कुछ इनाम भी घोषित था, फिर बाद में हम लोगों ने इस पर 2500 रुपये का इनाम घोषित कराया। अभी भी 5000 का इनाम घोषित करने के लिए प्रतिवेदन भेजा था। इसके अलावा स्थिति ये बनी कि जब लगातार ये प्रेशर वहाँ पड़ा इसको, तो इसने जमानत लगाने की कोशिश करी, जमानत भी निरस्त कराई। इस बार इसकी कोशिश ये थी कि पुलिस से ना पेश होते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो, लेकिन यद्यपि इनके जो भी पेश कराने वाले लोग थे वो यहाँ उपस्थित नहीं थे, तो ये स्टेशन पर इसकी भागने की सूचना हम लोगों को मिली थी। स्टेशन पर ही है और यहाँ से भाग रहा है। इसका प्रोफाइल क्या है, क्या करता है ये? सामान्य तौर पर एक खेती किसानी वाले लोग हैं, वहाँ मैकेनिक वगैरह का काम भी है और ये सामान्य तरीके से वहाँ अपना गुजर बसर करते हैं प्रतापगढ़ में। लेकिन ये आपराधिक मानसिकता इसकी किस आधार पे आई, एक जांच का विषय है। इसको हम लोगों ने रेलवे स्टेशन के पास पकड़ा है, टीम बना के विधिवत रूप से 2500 का इनामी वर्तमान में है। आज इसको माननीय न्यायालय पेश करेंगे।